आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया। रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? लेकिन इस देश के लोगों को मालूम होना जरूरी है। हम चाहते हैं इस पर एक विस्तृत जांच हो, जेपीसी बैठे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देश का अपमान तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। कानून मंत्री, कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। जब अंग्रेजों का राज था तब यही कर रहे होते थे, आप माफी भी मांगते थे, चिट्ठी भी लिखते थे, झुक झुक कर सलाम भी करते थे, उनके साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को दबाते भी थे। कुछ दिनों पहले यहीं संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। एक मंत्री थी, है अभी भी, जब वो गैस सिलेंडर पर बैठती थी यहां सड़कों पर तब वो मंत्री नहीं थी। अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तब नहीं बोलती, तब वो सिली सिली बातें करती रहती। गौतम अडानी पर जो ही बात आई उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की। कानून मंत्री, कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला, तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था, एक गांव बसा दिया चीन ने उनके राज्य में, तब नहीं बोले थे। आज वो भी बोले। जेपीसी की मांग गौतम अडानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर दे राहुल गांधी। कहते हैं देश का अपमान कर दिया। याद है अरुण जेटली जी कहते थे, भाई बाहर अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है देश के लिए तो क्या गैग ऑर्डर है, क्यों नहीं बोलेंगे कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। ये अरुण जेटली जी कहा करते। लेकिन जिनके दोस्त इतने मजबूत हों उनको सब माफ। विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के छात्र पॉलिटिकल रिसर्च करते हैं, हर तरह की चर्चा करते हैं, गूढ़ चर्चा करते हैं। जो हमारी ये एक हफ्ते में जो डिग्री ले आती है ना मंत्री, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। वहां अगर लोकतंत्र की के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर कोई चर्चा हो रही है तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। देश का अपमान तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। देश का अपमान तब होता है जब देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन तो हमसे बड़ा है, वो तो बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। तब होता है देश का अपमान। देश का अपमान तब होता है जब देश की जुडिशरी को आप मजबूर करते हैं कि वो प्रेस के सामने आकर अपना रोना रोए। देश का अपमान तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन कैसे बनाया आपने उस पर इतनी गहरी, इतनी कड़वी टिप्पणी करती है। तब आपको देश का अपमान नहीं लगा कि आपकी जो करतूतें हैं उससे कैसे अपमानित हो रहा है देश? आपको याद है अभी कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर को आपने कैसे नियुक्त किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अच्छी तरह से जली कटी सुनाई। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की अगर कोई कवायद करता है तो इन्हें बड़ी परेशानी होती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जो ये कानून है आज, बहुत संघर्षों के बाद दिया, बहुत बलिदानों के बाद दिया, स्वतंत्रता से पहले के बलिदान, स्वतंत्रता के बाद के बलिदान। ये हमें कहते हैं कि जाइए लंदन में झाड़ू लगाइए, वहां माफी मांगिए। ये काम तो आपका था, आप ही करते थे। जब अंग्रेजों का राज था तब यही कर रहे होते थे, आप माफी भी मांगते थे, चिट्ठी भी लिखते थे।
झुक झुक कर सलाम भी करते थे, उनके साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को दबाते भी थे, लिखते थे कि साहब ये आंदोलन कैसे दबाया जाए, हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA बना रहे थे, ये INA का कैसे मुकाबला करें उसके लिए पूरा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करते थे। तो इनका इतिहास ये थोड़े बदल पाएंगे। इसलिए हमारी जो JPC की मांग है, इनके परम मित्र के बारे में, अदानी जी के बारे में, उस मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हम ये मांग दोहराते रहेंगे, ये कितना ही विषय से भटकाएं आपको, हम नहीं भटकने वाले। अदानी जी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC का गठन होना चाहिए, ये आवश्यक है। इस देश का एक एक नागरिक चाहता है। इस देश में जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, जो कब्जा है प्रधानमंत्री के दोस्त का संसाधनों पर, उस पे देश को एक जवाब चाहिए, और वो जवाब JPC के माध्यम से ही मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी इस पे कतई कोई समझौता नहीं करेगी, भले कितने ही मंत्री अपना रोजगार पालें अगले कुछ दिनों में, रोज एक प्रेस वार्ता होगी। क्यों नहीं चलने देते संसद, क्यों नहीं उस पे चर्चा होती, क्यों अदानी जी का नाम आते ही एक्सपंज कर दिया जाता है? आपको याद है, अभी तो सिर्फ राहुल गांधी जी ने वो बोला कि माइक्स ऑफ कर दिए जाते हैं। किसान कानून कैसे पास किए थे राज्यसभा में, कैमरे तक ऑफ हो गए थे, फिर कहते हैं लोकतंत्र कोई खतरा नहीं है। लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा आपसे है प्रधानमंत्री जी, और आपके दोस्तों से है। धन्यवाद। आपके सवाल सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित हो तो ऐसा कौन सा कानून है जो कहता है कि आप JPC नहीं बना सकते? हमारी मांग शुरू से आज तक JPC की है, और जितनी इंक्वायरीज हो उतनी कम हो। क्यों नहीं हम ED जाएंगे? जाएंगे साहब। हम चाहते हैं इस पर एक विस्तृत जांच हो, JPC बैठे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किस विभाग का, किस डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा है, SEBI का क्या रोल रहा है, RBI की चुप्पी क्यों, ये तमाम बातें सामने आनी चाहिए। कौन सा अधिकारी किसके कहने से कहां लगाया गया, हमें तो मालूम है, कुछ नाम आपको भी मालूम है, लेकिन इस देश के लोगों को मालूम होना जरूरी है।